भाई सुनो रे, सुनो 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 भाई सुनो, अरे सुनो भाई सुनो, आदरणीय बुजुर्गो, दूर दराज से आए हुए सभी सज्जन साहबानों, भारतीय संस्कृति का आभूषण मेरी माता और बहनों, मेरे हम उम्र नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, शोर मत मचाओ, बहुत मजा आएगा। और हमारे हरिद्वार की पवित्र पावन भूमि पर आए हुए मुख्य अतिथि जी सांसद चौधरी राजेश पायलट जी और पंजा चैंपियन उत्तर प्रदेश रियासत लंढोरा से अमर प्रणव कुमार जी, और जिन्होंने केसेज कंपनी की दुनिया में एक तूफान मचा रखा है, एक तूफान बना दिया है, वो है सोनोटेक केसेज कंपनी के निर्माता भाई हंसराज जी, भाई मन्नू भाई और लवली उर्फ सुनील भाई, और हमारे महान संगीतकार जिन्होंने संगीत में कब्जा कर लिया है, मास्टर हंसराज जी और बस्तीराम तूफान जी। और यहां पर भाई सुनिए सुनिए भाई शोर मत मचाओ, और यहां पर भारत के राज्य राज्यों से आए हुए महान डीलर जो घर घर में केसेट पहुंचाते हैं, हमारे महान डीलर भी आए हुए हैं। कहीं उत्तर प्रदेश के डीलरों की भीड़ दिखाई दे रही है तो कहीं हरियाणा से आए हुए डीलर भीड़ में दिखाई देते हैं, और कहीं राजस्थान के डीलर दिखाई दे रहे हैं। साजनो, ये बेशुमार भीड़ है, आइए सुनते हैं। सबसे पहले जो हरिद्वार के रहने वाले हैं भाई मैनपाल जी और शिरोमणि कलाकार भाई महाशय सतपाल दौसा जी, आइए सुनते शुरुआत करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कलाकारों, समझदार लोगों के लिए इशारा कर रहा हूं, हर खूबी इंसान में है। कलाकार यहां पर सूझबूझ से गाएं तो अश्लील न गाएं, समझदारी से गाएं क्योंकि अकल के परिंदे होते हैं। हर खूबी इंसान में है, बिन पर के ही अकल परिंदा है। हर खूबी इंसान में है, बिन पर के ही अकल परिंदा है। बुरी बात को जल्दी पकड़े ये मानस, नेक बात में मंदा है। सब सूरज चांद इसी के लिए, पर फिर भी सबसे गंदा है। बिना गुरु ना सुलझे मानस, ऐसा ये गोरख धंधा है। आइए सुनते हैं सतपाल दौसा जी और मैनपाल जी। और सजनों के सामने रागनी का मौका वो है कि जब गौहरण के मैदान में सामने से दादा भीष्म सेनापति के रूप में खड़े हुए हैं, और उधार पांडवों की तरफ से कुंती पुत्र धनुधारी अर्जुन हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं। प्रेमी सजनों, दोनों के सवाल जवाब हो रहे हैं। उधर दादा भीष्म जी कहते हैं, हे कुंती के लाला, तेरी मां पुकार रही है। लेकिन उधर धनुधारी अर्जुन कह रहे हैं, भीष्म जी नाता एक अलग है, लेकिन ये धर्म की लड़ाई है, मुझे युद्ध करना होगा। आइए सुनते हैं। अर्जुन मरे ना बे आई, अर्जुन मरे ना बे आई, आगे दरिए पैर वही जा ठहर, लाड़ ले मान जा। बाबा होवेगी हर चाही, बाबा होवेगी हर चाही, मैं बेशक रण में कटू न पछे हटू, चली चाहे जान जा। लपट जाऊंगी, अरे
गाते गात का होता हर केंद्र में नहीं, आगे बढ़ के पीछे हटना है अर्जुन का धर्म नहीं। मरना अच्छा बगना अच्छा है छतरी का कर्म नहीं। बाबू लगे बाबा स्याही, बाबू लगे बाबा स्याही, जो मरण ते जाऊं बाज तो बाबा आज मेरी घटी शान जा। लड़ ले मान जा, अर्जुन मरे ना बे आई, अर्जुन मरे ना बे आई, बतिया के दरिये पे कोई जाठे। लड़ ले मान जा, चली चाहे जान जा, समझ इशारा नदी खून की बहादुआ बेटे घड़ी सात में जग परलो में कसर रहना जब ठालू धनुष हाथ में। मारे मारने मैं बाबा जी कमी छोड़ रहे तुमको ना, साथी राम हमारा चाहिए मन में मानने कम को ना। अर्जुन भी बाबा दुनिया में किसी वीर से कम को ना। देखो मेरी अब चतुराई, देखो मेरी अब चतुराई, मैं दे ऐलान कहूँ छुटा लूं गऊ तेरा रड़े ज्ञान जा। धन्यवाद। और इसी राजनी पर खुश होकर के गढ़गंगा से कलवा पान भंडार 500 रुपए दे रहे हैं। धन्यवाद। पापा ने दुनिया छान दई, अब छनी हुई काके छाने, बेशक जागी टूट लाडले धनी हुई ने नाताने। मरी हुई मीन बींद के अर्जुन अपने पर गाना जाने। सबके जहर चूस लूंगा मन बाबा समझ जहर मोरा, जितने आए हस्तनापुर से सबने हो जागा डोरा। पूत बहु का नाच देखी आपे मैं घना खुशी हो रहा। बाबा जगह को न्या पाई, बाबा जगह को न्या पाई, तुम बिना लिहाज खूब मरे ना डूब बचता प्राण जा। लड़ ले मान जा, कह लड्डन सिंह राज बल लग्या भी समझी के जी में झटका, समझदार के बात लगे मुंह रख के असर के नहीं लटका। शर्म के मारे बाबा भीष्म आगे से पीछे हट गया। पंडे फंसे बिचारे फिर रे बाबा कुआ खाई के, दही के मालिक बन रे आरे मजे पिलाई के। पांच शेर हम कुंती के और सो बकरे मारी ताई के। लग के समय नेड़े आई, लग के समय नेड़े आई, हम सो कुमारे पांच पड़े ऐसी आंचू भुन्ना दान जा। लड़ ले मान जा, अर्जुन मरे ना बे आई, अर्जुन मरे ना बे आई, आगे दरिये पैर वहीं जाठे। लड़ ले मान जा, बाबा होवेगी हर चाही, बाबा होवेगी हर चाही, मैं बेशक रण में कटू न पाछे हटू चली चाहे जान जा। लड़ ले मान जा। आइए
आपके सामने आ रहे हैं उदयवीर चौहान और रामकुमार चौरली। और कैसा गाना लेकर के आ रहे हैं, जब हाथों से अपने पिलानी न थी, जब अपने हाथों से, जब हाथों से अपने पिलानी न थी, मुझको ऐसा किया तुमने, ये छलकते हुए जाम के प्याले क्यों रख दिए मेरे सामने, ये प्यार का परवाना है। और जीजा साली की बात नहीं सुनते, अक्का जीजा राम 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 अका राम राम सालिया, तो कैडी राम राम कर रिया जनक, कुछ गड़बड़ का विचार तो ना तेरा? गड़बड़ का तो ना है और? पर कुछ और डबल गड़बड़ हो रही है भाई। एक बात तो है, हाँ, मका ससुराल का भी जो है ना, हाँ, साड़ी के होते साथ ही मजा आवे। अच्छा, वो हाँ, कैसे है? अगर साड़ी ससुराल में है तो सब कुछ है। अच्छा, और ना तो कुछ भी ना है भाई, ऐसा ना कह के बता दे। अच्छा, हाँ, तो किसी ने कहा है दही में छाल ना हो, अरे दही में छाल ना हो तो खाना नहीं चाहिए, दही में छाल ना हो तो खाना नहीं चाहिए, और ससुराल में साली ना हो तो जाना नहीं चाहिए। अरे देख लो मेरे जीजा कैसे मार रहा हूँ फटफटे, मगर साली मेरी सुन ले, मेरी बात सुन ले, हाँ, स्टोव में तेल है, स्टोव में तेल है, खाली मत समझना। अच्छा, मैं तुम्हारी साली हूँ, मैं तुम्हारी साली हूँ, घरवाली मत समझना। ओए होए 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 होए, आजाना छोटी साली वो छोरी नखरे आली, लाया जाना छोटी साली वो छोरी नखरे आली, लाया मैं तेरा दुपट्टा, दुपट्टा प्यारा मल मल का, लाया मैं तेरा दुपट्टा, दुपट्टा प्यारा मल मल का। पागल की जा,
का जी के जाडा कितना कैडा पड़ रहा तना दिखाई देना चाहिए। अच्छा होट तेरे आगे ये कटार है, जानगी मैं जीजा तू तो इश्क का बीमार है, साड़ी नहीं तू तो मेरे कड़े से कतार है, बेकाबे ना जीजा तेरी रोज की ये कार है, बेकाबे ना जीजा तेरी रोज की ये कार है, साड़ी ले मान कहना मेरे तू साथ रहना रे, साड़ी ले मान कहना मेरे तू साथ रहना, सुनना पड़ेगा मेरा अच्छा पत्थर लग रहा साड़ी देख ले, मेरे दिल में पत्थर लग रहा साड़ी तेरे नाम का, ब्रह्मपाल नागर के घर है खाना मेरा शाम का, उसके मत धो रह जाइए उसके तू दूर रहिए, उसके मत धो रह जाइए उसके तू दूर रहिए, तेरा बिगाड़ देगा पट्टा दुपट्टा तेरा मल मल का। बात मेरे साथ मत कर बिल्कुल भी। अच्छा हाँ, तेरा कुछ ध्यान गलत सा लग रहा है मुझे इस समय, तो कह के सुना दे। सुन ले, ए तू मसी ओ, इन बातों में
कुमार 2100 रुपए दे रहे हैं, धन्यवाद। आइए रंगारंग कार्यक्रम। एक बात और सुन ले, अगर जवानी में स्त्रिया का ध्यान विचलित होता है तो उसे हरी का ध्यान भी धरना चाहिए, और इस बात को जरा ध्यान से सुन ले। गंगा के स्वच्छ जल को देखते हुए एक बात
के बच्चों, ये गंगा दिल्ली से होती हुई और आगरा जाती है। उसी दौरान जो डिप्टी साहब थे वो माना करने के लिए आ रहे थे, उन्होंने अध्यापक को कहते हुए क्या दिल्ली से आगरा गंगा जाती है, बोले ठहरो गलत कह रहे हो, दिल्ली से आगरा गंगा ये गलत है। उन्होंने कहा कि तनख्वाह हमारी 3 रुपए है, अगर 3 रुपए तनख्वाह रहेगी तो गंगा दिल्ली से आगरा तक ही बहेगी, और अगर तनख्वाह हमारी 100 रुपए हो गई तो गौमुख से पहले से गंगा को निकालेंगे और कलकत्ता से आगे बहाएंगे। देश में पहुंच जाता है जहां गड़गजनी का बाजार लगा करता था, अब तो चिमटा हाथ में है। किस तरह से सुंदरा देव के दरवाजे पर अलख जगाता है। लेकिन दोस्तों एक बात और बताते चले, सुंदरा देव की हस्तरेखाओं को देख करके एक ज्योतिषी ने बताया था, तेरी बेटी ये भाग की रेखा, ये हाथ की रेखा बताती है कि तेरी जोड़ी पूर्ण मल से मिलती है। कैसे मवसर होगा जब वो सामने तस्वीर आ जाएगी तो उसके सौंदर्यवान तेज से तेरी आंखों के सामने अंधेरा हो जाएगा और तेरी खूनी तलवार हाथ से छूट के गिर जाएगी, और जोगियों को कत्ल करना उस ज्योतिषी ने बताया था। सुंदर देव कैसे भिक्षा लेकर के हाथ में खूनी तलवार लेकर के आती है, और पूरन मल ऐसे कहता है। आइए सुनते हैं।
किसको प्यार नहीं होता। हमारे सभी कलाकार मिलकर के इस बच्चे के लिए 3100 रुपए देते हैं। धन्यवाद। ना, ना 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 और मेरा एक सुथरा सा बढ़िया सा सूट सी
सूट ही सिमाना है कि और कोई काम करना है? ना ना ना, ना। मेरे तक होने से पहले कोई और काम तो लेना। मने तो ये जो सोने टैग के मालिक है ना हंस जी, हाँ, इन्होंने बताया है कि एक ऋषि पाल जी हैं। अच्छा, बहुत अच्छा सूट सिलते हैं। तो मैं सीम दूंगा कसमा कस। हाँ, देखिए ऐसा सूट सीमना है जो मेरे कति फंस के आवे। फसमा फस और कसमा कस। हाँ, मीटर सही लगा लीजिए। कुछ कहना चाहती हो? हाँ, सुन ले। जल्दी कहो, ग्राहक बहुत खड़े हैं पाछे। तो सुन ले दर्जी के। कहिए बुलबुल। ओ दर्जी के मेरा सूट सीम दे। आजा भीतर से आजा, सुई बड़ी नुकीली है। अच्छा, ओ गोना लिया मेरा भीतर सीन आजा रछोरी न पाले तू ते। के बात है दर्जी के, घड़ाई मिस्टर जी ने बुलावे, के बात है? अरे मेरे ग्राहक बैठे रहे यहाँ। सारे ग्राहक ने भूल जाएगा मैंने देख के। एक बार सुन ले, मेरे कारीगर भी यहाँ बड़े नौजवान है। अदरक काटे के कारीगर है। ये बात तो ठीक कह रही, बात मेरे तक। पहले कपड़ा ठीक है, ओ पहले कपड़ा खोल देख ले, कपड़ा तेरा वैसे करूं सिमाई। पहले कपड़ा खोल देख ले, तू पहले कपड़ा खोल देख ले, कितना सुथरा लाई। जैसा सुथरा री कपड़ा तेरा वैसे करूं सिमाई। ले लीजिए डूब का चोरी ना।
Okay.
रखिए वैसलात मेरी डेरा। अपनी साली से कहता है कि साली मेरा तो तेरे साथ में घूमने को बड़ा जी कर रहा है और मेरे पास में मारुति है इसमें बैठ ले और तुझे अच्छी अच्छी जगह घुमा कर लाऊंगा। तो जीजा क्या कहता है और साली क्या जवाब देती है। मेरी मारुति में आ जाता ने घुमा के लाऊं मैं साली। हाँ जीजा। तने मेरा कुछ तो विश्वास करना चाहिए। मैं कोई ऐसा ऐरा गहरा कोई लफंगा आदमी ना सू। अच्छा हाँ देख जीजा। हाँ मैं भरोसा तो कर लूं। अच्छा कदे फिर आग बदल जा। अरे नहीं बदलूंगा। अच्छा हाँ तो सुना दे एक बार। तू मेरी साली मैं तेरा जीजा कुछ तो कर विश्वास मेरा। साथ में घूमन का तो प्रोग्राम से खास मेरा। कदे क्लब में ले जाके ने वहां करे रंग रात मेरा। क्लब रेस्तरा में ले जाके हो क्लब रेस्तरा में ले जा तन कैबर डांस दिखाऊं मैं पेड़े खावा के लाऊं हापड़ के पापड़ खावा के लाऊंगा। ना मुझे ना किसी चीज की जरूरत। अच्छा ठीके घी बुरा से अच्छी ना कुछ चीज। किसे घी बुरा ते। अच्छा हाँ और ज्यादा मन करेगा ना हाँ। तो मैं अपने पलवल के बर्फी खा लूंगी। अरे रहन दे मका। हाँ हम मथुरा के पेड़े खावे हापुड़ के पापड़ मशहूर। हम कनॉट प्लेस दिल्ली में घूमे खावे काबुल के अंगूर। गरम जलेबी सोहने की और लड्डू खाऊं मोती चूर। गरम कुंड सोहने के अंदर हो गरम कुंड सोहने के अंदर साड़ी तने नवाऊं मैं बताऊं तने। हाँ बता। आजकल बूढ़े बापू का मेला भर रहा से। हाँ तने उसमें घुमा के लाऊंगा मेले में। अच्छा हाँ। अरे जीजा हाँ। मैं सब जानू ये मेले ठेले। अच्छा हाँ घड़े लफंगे आवे उसमें और दिखे कभी वहाँ जाके मेरी हुलिया टेट करवावे। अरे नहीं तो होती रहा करे। अच्छा चाल चलेंगे। सुना दे तो हम चार
चाट पकौड़ी खावेंगे बूढ़े बाबू के मेले में। नाजुक बदन जरब राजा मैं दबू भीड़ के रेले में। मैं सर्कस तने दिखाऊं साड़ी फेर झुलाऊं झूले में। मन कपटी मन लागे ते ना फसूंगी तेरे झमेले में। मौत का कुआं मोटर साइकिल मौत का कुआं मोटर साइकिल तने दिखा के लाऊं मैं लाऊं मैं। मन मरना ना कुए कुझा कण जाऊं मैं कर सैतानी को न्या संग की जाऊं मैं। और साड़ी हाँ जी क्या कह दे तने एक बहुत बढ़िया जगह है ले चलूंगा। अच्छा बड़े टूरिस्ट जाते हैं वो कौन सी? मनाली चलेंगे। हाँ ठीक है ब्याह से पहले मंडा ना गड़े करता। अरे मंडे की क्या बात है इसमें? मने बकावे मत ना। क्यों? वहाँ हनीमून मनान जान लो। एक बात सुन ले। हाँ। यदि मैं चल सकूँ ना हाँ। तो हरिद्वार चल सकूँ। अच्छा हाँ तीर्थ स्थान पे कुल्लू मनाली ले चलूंगा जहाँ हनीमून मनाया करें। ब्याह से पहले मंडा गड़े ना जीजा ताजमहल ने देख आगरा लाखों मानस जाया करें। मैं चाल सकूं